हेलो दोस्तों, यू विनर पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आशीष अंजन है। मैं अभी आरबीआई में एज ए ग्रेड बी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक में एज ए पीओ काम करता था। इस चैनल के माध्यम से हमारी यू विनर की टीम और मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताएंगे, स्पेशली जीए के लिए, इंग्लिश के लिए, और भी कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियाँ करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किन गलतियों से सीखना है और कैसे वो गलतियाँ बाद में नहीं होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारी स्ट्रेटजी वीडियो का, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जीए की स्ट्रेटजी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जीए का जो मैंने पेपर है, जीए जब मैं आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा था और एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर करता था, तब उस समय मैंने जीए की प्रिपरेशन की थी। तो जीए की जो जिस साल मैंने IBPS PO क्लियर किया था और SBI PO क्लियर किया था मेंस का पेपर, उस समय जो GA आता था वो यूजुअली वन लाइनर आया करता था। तो जो स्टडी IQ हुआ या GK टुडे हुआ और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उसमें वन लाइनर्स की काफ़ी वीडियोस डालते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करके कोई भी टॉपिक होती थी उस पर वो लोग वीडियो डालते थे। तो अराउंड 30 मार्क्स आउट ऑफ 40 वेयर कवर्ड इन दैट वीडियोज। बट जब मैंने RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्लियर किया था जिस साल, उस साल से उस प्रीलिम्स में जो GA आने लगी काफ़ी इनडेप्थ आने लगी थी। उस वो जो इनडेप्थ पैटर्न RBI ने फॉलो किया, उसके बाद से IBPS और RRB ने भी सेम पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये दोनों एस्पेक्ट को कवर करनी चाहिए। सबसे पहले इनडेप्थ वाली भी, और दूसरा सपोज पेपर वन लाइनर आ गया, जो उम्मीदें कम है बट स्टिल अगर आ जाता है तो आपको स्कोर करना है। तो दोनों जो है उसको हमें कवर करना पड़ेगा। अगर पेपर इन डेप्थ आता है, जो कि आ रहा है, तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको जो सजेशन है कि आप 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 3 मंथ्स, जो भी लेटेस्ट 3 मंथ्स है। सपोज पेपर आपका अक्टूबर में मेंस है, तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक, सितंबर, अगस्त, जुलाई एट मैक्स, नहीं भी हो रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फर्स्ट वीक आप अफेयर्स क्लाउड या GK टुडे की जो डिटेल्ड PDF वगैरह आती हैं, उनका सब्सक्रिप्शन हो या आपको कहीं से मिल जाए, किसी दोस्त का हो, कैसे भी हो, प्रिंट आउट लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए। अगर आपको लिख के याद करने की आदत नहीं है तो आप उसी में अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कीजिए। मिनिमम आपको 3 टाइम्स उसको रिवाइज करना है। अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, फेस क्लाउड को 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ डाउट ये आता है कि मंथली PDF जो फेस क्लाउड की आती है डिटेल्ड वाली, वो अराउंड 350-400 पेजेस की होती है, तो उसको कैसे कंप्लीट करें, कैसे कवर करें। तो उसमें आप पढ़ने वक्त ही देखिए इसे कि जो 400 पेज की PDF है उसको आप फर्स्ट रीडिंग में 100 पेज की PDF में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि बहुत सारा लाइन है जो कि इररिलेवेंट होता है, जो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए देते हैं, इररिलेवेंट नहीं होता है, मतलब वो जो होता है वो अगर UPSC की प्रिपरेशन कोई कर रहा है, कोई डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रहा है, तब यूजफुल है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए वो लाइन से यूजफुल नहीं है। तो आप जब फर्स्ट रीडिंग करोगे तो आप फिल्टर आउट करके उसको 100 पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप सेकेंड रिवीजन सेम चीज़ की करोगे तो आप उसको 50 पेजेस में कर सकते हो, और थर्ड एंड फाइनल रिवीजन में वही कंटेंट आपका 40 से 45 पेज या 30 पेज में ही बन सकता है। आप उस 30 पेज वाले जो अपने खुद के नोट्स बनाए उसको बार बार रिवाइज करो। रिवीजन के बिना GA में अब स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है। तो जिनकी क्वांट्स वगैरह वीक है उनको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बाकी सेक्शन में अच्छा करके इसको कंपनसेट कर सकते हो। पढ़ने वक्त क्या ध्यान रखना है अपने को कि जो करंट अफेयर्स से लिंक्ड स्टैटिक पोर्शन है उसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई न्यूज आई कि रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में RBI ने इतना % रेट हाइक कर दिया है, तो आपको उसमें पता करना होगा कि रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, RBI की थोड़ी हिस्ट्री देख लो। तो इसी तरह से जो भी न्यूज आ रही हो, जैसे कि सपोज अदानी पोर्ट्स यहाँ पे कुछ खुला ऐसा आया, तो आप देख लो कि इंडिया में कितने पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन है, उनकी लोकेशन देख लो। वो यूजुअली अफेयर्स क्लाउड में साइड में बैकग्राउंड इन्फॉर्म दिया रहता है। बस अपने बैक ऑफ माइंड ख्याल रखना आपको कि स्टैटिक भी कवर करना है। तो अगर आपने ये दो, ज़्यादा लोग 6 महीने की बोलते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप एटलीस्ट 2 महीने की करो, और मेरे ख्याल से एट मैक्स भी 2 से 3 महीने की ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा। रिवीजन का दूसरा फॉर्म है आप क्विज दो। बहुत सारी वेबसाइट है, प्रैक्टिस मॉक है, ग्रेड अप है, गाइडली है, टेक्स्ट बुक है, जहाँ पर आप क्विज दे सकते हो। आप किसी से भी दो, आपको मेन एम प्रैक्टिस होना चाहिए, स्कोर मैटर नहीं करता है, आपको याद होना चाहिए कंटेंट।
अगर आपने इतना कर लिया तो आप एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन पक्का टैकल करोगे और अच्छे से सॉल्व करोगे, तो आउट ऑफ 40 आपका स्कोर मिनिमम 25 आएगा ही आएगा अगर आपने ये चीज़ किया और रिवीजन किया तो। सिर्फ एक बार कंप्लीट कर रहे हो उससे अच्छा पढ़ो ही मत, एटलीस्ट 3 रिवीजन तो आपको करना ही करना है। उसके साथ इन केस पेपर ईजी आ जाए, ईजी मीन्स वन लाइनर वाला अप्रोच वापस से आ जाए, उसको भी आप कवर करके रखो। उसके लिए आप क्या करो, किसी भी स्टडी IQ GK टुडे वगैरह की जो भी मंथली वाली जो वीडियो आती है 300 MCQ 500 MCQ वाली, या अगर आप बोलो तो मैं खुद भेज दूँ आपको इम्पोर्टेंट क्या है, मैं वीडियो बना दूँ 8-10 लेक्चर का, बट वो कंप्रेहेंसिवली कवर नहीं हो सकता किसी के द्वारा उस वन लाइनर वीडियोज में। बट अगर पुराना पेपर पैटर्न रिपीट किया गया तो वो आपको इमेंस हेल्प देगा, तो आप उसको 3 महीने का कवर कर दो। अगर वो पैटर्न रिपीट होता है तो उस पर 20-25 क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर नया पैटर्न होता है फिर भी आपको 5-7 क्वेश्चन में ज़रूर हेल्प मिल जाएगी, तो आप सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ उन वीडियो से क्लियर कर सकते हो। पर अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, तो आपका स्कोर अराउंड, अगर आपका क्वांट्स वगैरह थोड़ा वीक है तो 15-20-25 के रेंज में होना चाहिए। उसके लिए वो जो इन डेप्थ स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वो काइंडली आप फॉलो करें। मैंने अपने टाइम RBI के टाइम में भी, ग्रेड बी के टाइम में, IBPS के टाइम में और SBI के टाइम में इन डेप्थ वाली स्ट्रेटजी फॉलो की थी, तो मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। तो आई होप कि आप भी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उससे आपको हेल्प हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ट्राई करूँगा आपको कमेंट्स में रिप्लाई करने का और आपकी हेल्प करने का। बाकी यूनियर की टीम आपको बेस्ट ऑफ लक विश कर रही है कमिंग पेपर्स के लिए। एनी डाउट आवर टीम विल हेल्प यू। थैंक यू।